डॉक्टर जी सी अनुपमा, डॉक्टर जी सी अनुपमा को, डॉक्टर जी सी अनुपमा को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर जी सी अनुपमा को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। ये देश की पहली महिला बन गई है जो इस पोस्ट पर रही। इस पोस्ट में जो जो रहा सारे मेल पर्सन रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल इस पद पर अध्यक्ष बनाया गया। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल शास्त्री। आगे लिखिए सेकंड पिक्चर। कोलकाता में भारत का पहला फुल डोम थ्रीडी डिजिटल थिएटर स्थापित किया गया। इन्वर्टेड कॉमा में युवा एनजीओ ने 2019 के लिए लॉरियस सपोर्ट फॉर गुड पुरस्कार जीता। चालीसवें अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान ब्रैकेट में करी वार्षिक महोत्सव। की शुरुआत जैसलमेर में की गई स्मृति मंधाना को शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके अलावा शिव छत्रपति पुरस्कार एक और को मिला है, इसी में लिखी ना, उनका नाम है उदय देशपांडे। कम बुद्धि कोच है, इनको भी दिया सर मलकम। केरल राज्य में पठन मिट्टा कवि वागामू और थेंकड़ी पठनमेट्टा कवि वागामू थेंकड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। बैकग्राउंड में कलर नहीं दिखे। आगे देखिए, एमसी मैरीकॉम को पूमा इंडिया, पूमा के शूज वगैरह बैग भी आते हैं ना, सो प्यूमा भी बोलते हैं, प्यूमा इंडिया हेतु 2 वर्ष के लिए राजदूत बनाया गया। प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल दोनों कैंसर हॉस्पिटल है, पंडित मदन मोहन मालवीय भी और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया। विश्व न्याय सामाजिक दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। विश्व न्याय सामाजिक दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। तो विषय लिखिए विश्व न्याय सामाजिक दिवस का। इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, मतलब अगर आप शांति और विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप शांति विकास चाहते हैं तो आप सामाजिक न्याय पर कार्य करिए। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नामवर सिंह का निधन हो गया। प्रसिद्ध पुस्तक कविता के नए कतिमान एनआरडीपी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कुसुम योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कुसुम योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी। कुसुम का नाम लिखी नीचे लाइन से, किसान ऊर्जा किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान महाभियान, किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान महाभियान इसका पूरा नाम है, कुसुम योजना। आगे देखिए, ओडिशा राज्य ने
कालिया योजना के तहत एक योजना निकाली थी पहले भी कालिया, लेकिन ये योजना कालिया नाम है लेकिन दूसरे कलिया पे। ओडिशा राज्य ने कालिया योजना के तहत स्कॉलरशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया। ओडिशा राज्य ने कालिया योजना के तहत स्कॉलरशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया। श्री रविशंकर प्रसाद ने न्याय बंधु ऐप को लॉन्च किया। न्याय बंधु ऐप को लॉन्च किया। बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा लड़ेंगे कन्हैया कुमार। सऊदी अरब में 850 कैदियों को रिहा किया जाएगा। भारत के कैदी बंद है वहां पे, उनको रिहा किया है। सऊदी अरब के लिए हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर दो लाख कर दिए। अब 2 लाख व्यक्ति वहां पर हज जा सकते हैं। 1.5 लाख था, 1.5 लाख, अब 2 लाख कर दिया। तमिलनाडु में डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, तमिलनाडु में डीएमके 30 सीट पर और कांग्रेस 9 सीट पर लोकसभा लड़ेगी। मतलब डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, जिसमें तमिलनाडु में टोटल 39 सीट है। तो 39 में 30 पर कौन लड़ेगा? डीएमके, और 39 पे और 9 पे कांग्रेस। ठीक है, यह आपके 20 फरवरी को 19 करंट अफेयर्स खत्म हुए।